नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की पहली पुण्यतिथि पर हुआ अव्यक्त लोक का लोकार्पण। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत देश भर से आए संस्था के सदस्यों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृति में बनाए गए अव्यक्त लोक का विधिवत लोकार्पण हो गया है। सभी पदाधिकारियों समेत देश विदेश से आए संस्था के सदस्यों की मौजूदगी में यह कार्य संपन्न हुआ। करीब 50 सालों तक जिनके नैनों से भगवान ने निहारा, जिनके हाथों से भगवान ने वरदानों की बारिश की, जिनके मुख से भगवान ने वो दिव्य राज खोल दिए जिसकी तलाश सदियों से मानव शास्त्रों में कर रहा है। अपने को समा कर भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली हमारी प्यारी दादी गुलजार जी की आज पहली पुण्यतिथि है। उनकी सुनहरी यादें आज संस्था के हर सदस्य के मन को महका रही है। समय समय पर अव्यक्त बाबा दादी के थ्रू ही कई बातों का वर्णन करते थे और उसमें ये विशेषताएं बताते थे कि इस रथ की विशेषता क्या है। और उसमें एक बारी बाबा ने कहा, ये जब दिल्ली में भी कारोबार में थी तो भी सभी उसको कहते थे निरसंकल्प देवता, ये अपना मन ज्यादा नहीं चलाती। तो जब बाबा की पधरामनी होती, क्योंकि इसको अभ्यास है अपने मन को शांत रखने का, इस कारण से बाप दादा भी उसके द्वारा जो बाबा को बताना होता है सहज सहज बता सकता, कोई उसमें और बात का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो भगवान ने ऐसे रथ को चुना जिसने करीब करीब 50 वर्ष हम सब की इतनी सेवा की, तो उसको तो हम बहुत प्यार से याद करते हैं आज तक भी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो ने भी गुलजार दादी जी के स्मृति में एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसका नाम है भागीरथ। आइए आपको दिखाते हैं उसके कुछ अंश। अव्यक्त पालना के 52 वर्ष का अलौकिक सफर। 11 मार्च 2021, एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन सबकी प्यारी बाप समान या फिर कहें बाबा वाली दादी अव्यक्त वतनवासी बन उड़ चली। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर आइए दादी जी की स्मृतियों को याद करते हुए उनके जीवन चरित्र की कुछ झलकियां देखें। खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान
प्रभु प्रेम में आपके कर्म